अक्टूबर 2020 ये तारीख आपको कुछ याद आ रही है? इस साल कुछ याद आ रहा है? 2020 में कुछ खास चीजें हुई थी, क्या हुआ था? क्या बात है, बाकी सब भूल जाएंगे, कोविड को नहीं भूल पाएंगे। सो कोविड आया था 2020 में, हाँ। तो कोविड 2020 में आया था, और 2020 में जब मैंने मकान लेने का फैसला किया तो मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया, उन्होंने कहा सचिन इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो, पैसा आ रहा है तो बचा के रख, थोड़ा आगे के बारे में सोच, अभी कोविड का दौर चल रहा है, पता नहीं कल क्या होगा, इससे थोड़ा अभी मकान उकान में पैसा मत लगा, थोड़ा आगे के बारे में सोच। क्या बोला उन्होंने? क्या बोला? आगे के बारे में सोच। मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई आगे के बारे में सोचना मैंने अगस्त 2002 से शुरू कर दिया था, जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था, तभी तो ये मकान मैं ले पा रहा हूं। तो लगभग 2 करोड़ की लागत आई, जो मकान हमने रायपुर में लिया उसका इंटीरियर वगैरह करवा करके, और मेरा पहला खुद के पैसों से लिया हुआ मकान। इसके पहले तो दादाजी का बनाया हुआ था, और जब हम अपने घर से अलग हुए तो किराए के मकान में ही दर दर की ठोकरे खाते रहे इधर से उधर। किराए के मकान का दर्द क्या होता है मैं जानता हूँ। आप ऐसा कितने लोग किराए के मकान में रहते हैं या कभी रहे हैं? तो किराए के मकान का दर्द मजा आता है ना, किराए के मकान में। और अगर मकान मालिक का घर नीचे हो या ऊपर हो तो और मजा आता है। साहब स्थिति ऐसी होती है कि एक बार हम मच्छरदानी टांगने के लिए घर पे किल ठोक रहे थे, तो मकान मतलब सुबह का 8 बजे का टाइम होगा, किल ठोक लेते, तो मकान मालिक आ गया, उसने कहा कि साहब आपके घर से कुछ ठोकने की आवाजें आ रही है। तो मैंने कहा जी हाँ साहब, हम जो है वो किल ठोक रहे हैं। पर नहीं, आप हमारे घर में किल नहीं ठोक सकते। मैंने कहा सर ये तो किल ही तो है, अगर जब कभी छोड़ेंगे तो फिल करवा देंगे। बोले नहीं नहीं, दीवारें खराब हो जाएगी। अब मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मेरा मन किया मैं उसको बोल दूं कि ठीक है साहब मच्छर बहुत है, एक काम कीजिए आज से रात को आ जाइए, मच्छरदानी पकड़ के खड़े रहिए। तो क्या करें, किल नहीं ठोकेंगे तो कहां लगाएंगे। पर ठीक है, मकान मालिक है, बोल कुछ नहीं सकते, मन ही मन भी बोल सकते हैं जो भी अंदर बोलना। एक और किस्सा बताता हूँ कि दूसरा मकान, क्योंकि कई मकान बदले हमने, लगभग 20-22 मकान बदले होंगे किराए के, क्योंकि किराए के मकान में 2 साल के बाद तो मकान मालिक रहने भी नहीं देता, उसको डर लगने लगता है कि कहीं कब्जा ही ना कर लें। कितना भी अच्छे से आप व्यवहार कर लो, कितनी भी बढ़िया रेपुटेशन बना लो, लेकिन 90% से ज्यादा मकान मालिक ऐसे हैं जो कि जिनको हमेशा डर लगा रहता है कि मेरा मकान हाथ से निकल ना जाए। सो सुबह 8 बजे का एक और टाइम था, मैं मेरे थोड़ा योगा प्राणायाम करने का आदि हूँ, तो उस दिन लेट हो गया था योगा प्राणायाम करने में, वो नया नया मकान था, तो 8 बजे मैंने मकान का 2-3 में सेटल हुआ, सामान वहां सेटल हुआ, फिर मैंने सोचा चलो योगा शुरू किया जाए। तो 8 बजे मैंने योगा किया तो नीचे से मकान मालिक आ गया ऊपर, बोला सर आपके घर से कूदने की आवाजें आ रही है। तो मैंने कहा जी सर थोड़ा सा योगा प्राणायाम कर रहा हूं। बोले नहीं नहीं, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। कितना बजे? 8 बजे। अब मन में इच्छा हो रही थी बोलने की कि आप कुंभकर्ण की फैमिली से, सुबह 8 बजे आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, अरे हो रही है डिस्टर्ब तो उठ ही जाना चाहिए ना। सो ये आलम होता है किराए के मकान में, वो दर्द हमने देखा हुआ है। तो जब पहली बार अपना मकान लिया हमने रायपुर में आज से 2 साल पहले, जब शिफ्ट हुए उसमें पूरा इंटीरियर अपने अपने हिसाब से करवाया, मैडम ने उसमें बहुत बड़ा, क्योंकि मैडम ने फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है तो थोड़ा उसमें भी हाथ आजमा लिया। तो जब वो किया और बड़ा एक सुंदर सा जब घर में एंट्री हुई तो हम सब की आंखें नम थी, सबकी आंखें नम थी।